नमस्ते ओम शांति, आपको स्वागत है आपके YouTube चैनल पर, जहाँ पर हम आज 319वें दिन के ईश्वर वरदान में परमपिता परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं उसको हम देखेंगे। तो आज देखें बाबा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भवा। तो सेवा अगर करनी है तो त्याग और तपस्या चाहिए, लेकिन आज की दुनिया में त्याग और तपस्या की जगह पर अगर हम नाम मान शान धन दौलत अगर पाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए हम किसी की सेवा करते हैं, चाहे वो घर के लोगों की सेवा कर रहे हों, घर के लोगों के साथ में भी हम बहुत मीठा प्यारा हो जाते हैं, या किसी बॉस के साथ में बहुत मीठा प्यारा होता है ताकि हमें वो प्रमोशन दे दे, तो हम सच्ची सेवा नहीं कर सकते। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं ना मेरे दिल पर चढ़ सकती हैं ना किसी के दिल पर चढ़ सकती हैं। तो देखें बाबा कहते हैं विस्तार में। बाबा कहते हैं, जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, अगर आप कोई बॉन फायर करते हैं, आपने आग जला के रखी, जैसे अभी दार्जिलिंग बहुत ठंडी हो रही है, तो अगर आपने बॉन फायर की हुई लकड़ी जला के रखी है और उसके आप आजू बाजू बैठे हैं 3-4 लोग, तो वहाँ पर जो बॉन फायर होती है उसकी आग की तप ही दूर तक आती है, उसी से आपको सुकून मिलता है, तो वो अनुभव करते हैं आप, है ना। तो बाबा कहते हैं, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। तो त्याग क्या करना है और तपस्या क्या करनी है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी, अब सेवा में धन तन और मन से सेवा होती है, धन से भी सेवा कर सकते हैं आप, तन से भी फिजिकल सेवा कर सकते हैं आप, मन से भी आप किसी के बारे में शुभ संकल्प शुभ भावना रखकर सेवा कर सकते हैं। तो वो कहते हैं उसके साथ साथ क्या करना है, त्यागी तपस्वी मुहूर्त पर हो तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दें। अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर अगर क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, घृणा आती है सेवा करते समय, तो परमात्मा कहते हैं ये कलयुग के समय पर इंसान जो आत्माएं हैं वो केवल कलयुगी बातें नेगेटिव बातों को अपनाएंगी और अच्छी बातों को नहीं अपनाएंगी। अगर आप मुख से अच्छा भी बोल रहे होंगे ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, लेकिन आपके अगर जीवन में वो धारणाएं नहीं है, अगर आप बोलते मीठा मीठा लेकिन है क्रोध अहंकार ईर्ष्या, उसको आपने जीता नहीं है अभी तक, थोड़ा भी तो जीत ले तो अच्छी बात है, अगर जीता नहीं है अगर अभी तक, तो वो मुख से बोली हुई वचनों का कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब आपके अंदर वो तप नहीं है जो अग्नि से आता है, आपने सिर्फ मुख से बोल दिया तो ठंडा रह जाएगा सब कुछ, सेवा भी ठंडी रह जाएगी। अब कहते हैं तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सेवा आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे। अगर हम जिस्मानी सेवा करते हैं, दुनिया वाले जैसे सेवा करते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है, अगर हम किसी को फेवरेटिज्म करके किसी के लिए स्पेशल सेवा करते हैं, तो परमात्मा कहते हो तो आपने जिस्म देकर के सेवा कर ली, कोई आपको पसंद आता है आपने किसी केवल एक की सेवा कर दी, आपने एक से कुछ पाने के लिए कुछ रिटर्न मिलने के लिए सेवा कर दी, लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं तो कह रहा हूँ कि आप ऐसी सेवा करें जिसमें कि आपका त्याग हो, तपस्या हो। तपस्या मतलब कि आप किसी के जिस्म को देख करके, जिस्म की प्राप्तियों को देख करके, उसके पास में कितनी धन दौलत है, क्या पोस्ट पोजीशन है, उसको देख करके उसकी सेवा नहीं करनी है। आपको तो आत्मिक स्वरूप देख करके सेवा करनी है, तो ना आपको लालच आए, ना लोभ आए, ना ईर्ष्या हो, ना घृणा हो समय सेवा करते समय। तो तपस्या करके आत्मिक स्वरूप में रह करके सेवा करना सच्ची सेवा है, इसमें आपके पुराने संकल्प पुराने संस्कार पुरानी आदतें नहीं आती हैं, चाहे नाम मान शान मांगने वाली इच्छा रखने वाली आदतें भी नहीं आती आपकी, तो वो सच्ची सेवा होती है, उसके अंदर तप होता है, अग्नि होती है। फिर बाबा कहते हैं जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। सर्व के यानी कि कोई स्पेशल के कल्याणकारी, तो घर वालों की अपनी सेवा करती है, बाहर वालों के साथ में ईर्ष्या घृणा रखी हुई है, ये सच्ची सेवा नहीं है। इससे हम परमात्मा के दिल पर नहीं चढ़ सकते, उनके दिल तख्त पर नहीं आ सकते, उनकी नज़रों में हम आ नहीं सकते। तो सच्ची सेवा करनी है तो त्याग भी करना और तपस्या भी करनी है। और इसको और विस्तार में जानने के लिए ब्रह्म कुमारी स्कॉल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, जहाँ पे आप सीख सकते हैं कि घर वालों की भी सेवा कैसे करनी है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे भी सेवा कैसे करनी है, ताकि आप नाम कमाएं परमात्मा की नज़रों में और दुआएँ कमाएँ और आत्माओं से। आपका दिन शुभ हो।